सपोज करो कि एक हेलीकॉप्टर है, और इस हेलीकॉप्टर का जो यहाँ पे ये होता है ना स्टैंड, वहां पे एक बहुत सारा बड़ा मास अटैच है। अब मान लेते हैं ये कुछ 100 kg का है, तो इसके कारण हेलीकॉप्टर एक्चुअली ऊपर जाना चाह रहा था, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस हैवी मास हेलीकॉप्टर जो है वो नीचे आ रहा है। एक्सेलरेशन 2 m/s² से, 2 m/s² से नीचे आ रहा है एक्सेलरेशन। ठीक, तो हम सवाल यहाँ पे बताओ इस मास से कितना मास रिमूव कर दे कि ये 2 m/s से ऊपर जाने लगे। ठीक है, हाउ मच मास ऑफ द ब्लॉक शुड बी रिमूव्ड सो दैट सिस्टम विल गो अपवर्ड बाय एक्सेलरेशन 2 m/s। बात हो बनेगा। देखो यदि हम इनिशियल बात करते हैं, इनिशियली यहां बनाते हैं जो ये पूरा सिस्टम है, ये मानो ये सिस्टम है। ठीक है, और यहां पे 100, यहां नीचे mg लग रहा होगा, नीचे mg लग रहा होगा, और ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा जो ये पंख ये लगा रहा होगा हेलीकॉप्टर। ठीक है, अब नीचे एक्सेलरेशन ए हो रहा है। अब बताओ जी ब्लॉक नीचे आ रहा है तो mg बड़ा होगा या एफ बड़ा होगा? mg बड़ा होगा ऑब्वियसली। ठीक है, यदि हम यहां से इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना चाहें, क्या लिखना चाहें, इक्वेशन ऑफ मोशन, तो क्या लिखेंगे, mg - f = ma लिखेंगे, ये ऐसा इक्वेशन ऑफ मोशन, mg - f = ma। कोई दिक्कत? चलो अब क्या करते हैं, ये तुम्हारा इक्वेशन ऑफ मोशन है। ये कब इक्वेशन ऑफ मोशन है? जब ब्लॉक तुम्हारा नीचे आ रहा है। अब क्या करते हैं, इस ब्लॉक से कुछ मास m मास रिमूव कर देते हैं। ठीक है, इसको कैपिटल m मान लेते हैं, कैपिटल m। अब इस ब्लॉक से हम लोग कुछ मास रिमूव कर देते हैं, स्मॉल m मास रिमूव कर देते हैं। ठीक, तो स्मॉल m का जगह x लिख देते हैं, कंफ्यूज ना हो स्मॉल m और कैपिटल m में, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक, तो m की जगह x मान लेते हैं, x लेट ऐसा ऐसा मान लेते हैं, लेट लेट x मास इज रिमूव्ड। x मास क्या हो गया, निकाल लिए, दैट मीन्स अब इसका क्या है, मास m है उसमें x माइनस कर दिए। अब ये दिस इज द मैक्स, पहले जो मास m था उसमें से x मास रिमूव कर दिए, तो ऊपर तो फोर्स जितना लगा था उतना ही लगेगा, ऊपर फोर्स जितना लग रहा था हेलीकॉप्टर जितना फोर्स लगा रहा था उतना ही फोर्स लगेगा, नीचे mg तुम्हारा चेंज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, m - x * g हो जाएगा, m - x * g हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन क्या खोलता है, ये ऊपर जाने लगा, क्या लगा है, ऊपर जाने लगा है, दैट मींस इसका एक्सेलरेशन क्या हुआ, इस डायरेक्शन में हो गया। अब इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना चाहे, इक्वेशन ऑफ मोशन तो बताओ क्या होगा, f - m - xg = m - xa। कोई दिक्कत बताओ, यहां पे बताओ कोई दिक्कत यहां पे नहीं? तो वी हैव टू इक्वेशन, दो इक्वेशन है, x निकालना, निकाल लोगे फिर भी हम यहां पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक, ठीक है, तो यहां सॉल्व करते हैं, तो पहला क्वेश्चन क्या है भैया, पहला क्वेश्चन है mg - f = ma, जो पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, f
माइनस एम माइनस एक्स जी इक्वल्स टू एम माइनस एक्स ए, ठीक है, कोई दिक्कत? चलो दोनों को जोड़ देते हैं, देखो ये कट जाएगा, ये फोर्स कट गया, तो यहां से क्या हो गया एम जी, और यहां से माइनस एम माइनस एक्स जी, और यहां से क्या हो गया एम ए प्लस एम माइनस एक्स ए, ठीक। चलो इसको सॉल्व करते थोड़ा सा और, एम जी मैं यहां सॉल्व करेंगे तो माइनस एम जी प्लस एक्स जी, कोई दिक्कत? यहां प्लस होगा हाँ। अब यहां से देखो क्या हो गया एम ए है और ये हो गया प्लस एम ए, हो गया माइनस एम एक्स ए, कोई दिक्कत? ये कट गया, इधर इसको ले आएंगे एक्स जी प्लस एक्स ए प्लस टू एम टू एम ए हो गया, ये हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से हम लोग एक्स निकालना चाहे क्या हो गया जी प्लस ए प्लस टू टू एम ए, तो अब यहां से एक्स क्या हो जाएगा भैया मेरा, एक्स हो जाएगा टू एम ए बाय जी प्लस ए। अब वैल्यू जो दिया हुआ है पुट कर लो, वैल्यू जो दिया हुआ है मास दिया हुआ है 100 kg, एक्सेलरेशन 2 दिया है, जी 10 है, पुट करके आंसर निकाल लो। यदि हम पुट करेंगे सारा वैल्यू तो कितना आएगा, एक्स इक्वल टू एक्स क्या है मास है, एक्स क्या है मास है, तो कितना आएगा देखो 2 इंटू 100 इंटू 2, एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, डिवाइड बटा जी प्लस ए, 10 प्लस 2 12, ये कट गया यहाँ से 6 बार में, ये कट गया यहाँ से 3 बार में, और यहां से यहां करेगा 33.3, तो x कितना हो जाएगा 33.3 kg हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत क्या? एक और सवाल करवाते हैं, ठीक, इसी से रिलेटेड एक सवाल है, सेम सवाल है, तुम लोग थोड़ा सा देखो, दो सवाल क्या बोल रहा है, बोला तो बैलून है उस कुछ मास m है उसका, और वो देखा गया क्या कि वो फॉल कर रहा है, नीचे गिर रहा है विद वेलोसिटी v से, बैलून ऊपर से गिर रहा है वेलोसिटी v से, कांस्टेंट वेलोसिटी दिया हुआ, ठीक, बोलता है उस बैलून से कितना मास निकाल लिया जाए, कितना मास निकाल लिया जाए कि वह उसी वेलोसिटी v से ऊपर जाने लगे, उसी वेलोसिटी v से वह ऊपर जाने लगे, बस समझ में आ गया, सेम सवाल है। इसमें बस यह ध्यान रखना है, इस सवाल में हम दो चीज गिवन दिए हैं, एक दिया है बायंट फोर्स, अभी नहीं पढ़ा है बायंट फोर्स क्या होता है, जैसे ठीक है जैसे बायंसी फोर्स का याद है, जब पानी में हम तुमने बचपन में पढ़े होंगे कि कोई ऑब्जेक्ट को पानी में डालते थे तो क्या फ्लोट करने लगता था, ऊपर आने लगता था, तो बिकॉज ऑफ बायंसी फोर्स, बिकॉज ऑफ बायंसी फोर्स, तो वो भी फ्लूइड था, एयर भी तो फ्लूइड ही है ना, बहुत सारा हवा है एयर का मॉलिक्यूल्स है, वो क्या करेगा ऊपर की ऊपर डायरेक्शन में क्या लगाएगा बाइंड फोर्स लगाए, ठीक, जैसे मानो ये तुम्हारा कंटेनर है, इस कंटेनर में पानी है, और जब भी हम इसमें कोई सामान डालते हैं तो ये देखते हैं ये फ्लोट ऊपर नहीं रहता है, तुम देखना कि तुम जब पानी में कूदोगे तुमको खुद फील होगा कि तुमको कोई ऊपर से फोर्स लगा रहा है, तुम थोड़ा सा ऊपर आओगे हल्का सा ऊपर, तुम ऐसा नहीं होगे तुम नीचे गिरोगे तो जाकर जमीन पर सूझ जाओगे, तुम कभी ऐसा नहीं हो सकता है, तुम कभी कूदे हो क्या पानी वानी में, कभी कूद के देखना, ठीक है, स्विमिंग पूल नदी वदी पोखर तोखर किसी में कूदा है, तुम कूदा है पानी में,
पोखड़ में, तो फील किया कभी कि ऊपर ऊपर आ रहे हैं, वेट हल्का फील करता होगा खुद का, तो सांस में हम जो पूछे वो फील किया है कि ऐसा तुम फील किया होगा कि नीचे से कोई पानी, तुम लोग छटपट में नहीं घुसे हो पानी में, घुसे हुए फील किए हो गए ऐसा उस, ये तो है ना, ये बिकॉज ऑफ बॉयंसी फोर्स के कारण होता है, फोर्स ऑफ बॉयंसी ऊपर का डायरेक्शन लगाता है, इसको अपथ्रस्ट भी बोलते हैं, अपथ्रस्ट, ठीक है, हम लोग फ्लूड में पढ़ाएंगे। तो यहाँ उसी प्रकार या बॉयंसी फोर्स तुम्हारा एयर में भी लगेगा, क्योंकि एयर में नीचे आते रहेगा या ऊपर जाएगा, बॉयंसी फोर्स तो हमेशा अपथ्रस्ट होता है, ऊपर की ओर होता है, ठीक। और एक है यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस का तुम लोग बाइक चलाए होगे तो एकदम पूरा हवा मुआ इधर इधर से पूरा आता हवा ना, तो वही बोलता है एयर रेजिस्टेंस जो है वो किसका वेलोसिटी पर, गाड़ी जितना तुम स्पीड करोगे एयर रेजिस्टेंस उतना फील होगा, कभी फील किया हो ना, जैसे कभी ज्यादा होता हवा हाथ ऐसे देना, तो यहाँ तुम एयर का रेजिस्टेंस, एयर का फोर्स लगेगा इधर, तो एयर का फोर्स किधर लगेगा, तुम इधर जा रहे हो तो एयर इधर बहेगा और इधर मार के इधर उसको पीछे करेगा हाथ को, कभी तुम ऐसे जा रहे होगे ऐसे करना हाथ को, तो हाथ ऐसे ऐसे पीछे पीछे होगा ऐसे ऐसे, मतलब वो क्या रहेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी का होगा और अपोजिट टू द वी होगा, डायरेक्शन क्या होगा अपोजिट टू वी होगा, ठीक। इतना बात यहाँ कंसिडर करना है, आप सवाल देखते हैं कैसे बनेगा, ठीक है। तो इनिशियली देखो, ये हम इनिशियली देखते हैं, ये हमारा बैलून है और यहाँ कुछ एयर मॉलिक्यूल्स भी डाल देते हैं, चलो ये सब क्या एयर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली इस पर फ्री बॉडी डायग्राम बना, ऊपर लगेगा तुम्हारा बॉयंसी फोर्स, ठीक है, शुरुआत में क्या हुआ नीचे आ रहा है, वो शुरुआत में वी वेलोसिटी से क्या आ रहा है नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, ठीक है। यदि नीचे आएगा तो एयर रेजिस्टेंस कैसे लगेगा ऊपर, एयर रेजिस्टेंस एफ एयर ऐसे लिख देते हैं, कोई दिक्कत, एयर रेजिस्टेंस वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ठीक। और नीचे क्या लगेगा एम जी, नीचे क्या लगेगा एम जी, अरे बताओ इसमें नेट फोर्स कितना होगा, इसमें नेट फोर्स कितना होगा, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब नेट फोर्स जीरो, पता है ना एक्सेलरेशन क्या होगा डीवी बाई डी टी, वी कांस्टेंट है तो डीवी बाई डी टी क्या होगा जीरो होगा, एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन जीरो का मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन जीरो दैट मींस फोर्स जीरो, मतलब यहां एफ नेट क्या होगा जीरो होगा, एफ नेट जब जीरो होता है तो क्या पता है इक्विलिब्रियम कंडीशन हो गया, दैट मींस अपवर्ड फोर्स इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स, ठीक। अपवर्ड फोर्स क्या है यहां पे एयर रेजिस्टेंस एफ एयर प्लस बॉयंसी फोर्स, और डाउनवर्ड क्या है एमजी है, ये क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक। अब सेकंड कंडीशन क्या है भैया, सेकंड कंडीशन है इसमें कुछ मास हमको रिमूव करना है, ठीक है, ये रहा बैलून हमारा, इससे मान लेते हैं कि लेट एक्स मास इज रिमूव्ड, एक्स मास इज रिमूव्ड, मतलब एक्स मास क्या कर रहे हैं रिमूव कर दे रहे हैं, तो अब क्या हो गया इसका मास एम माइनस एक्स हो गया, अब कितना हो गया एम माइनस एक्स, उस एम में क्या कर रहे हैं एक्स को रिमूव कर दिए, तो अब बोलता है जब एम मास रिमूव कर देते हैं तो ये ऊपर जाने लगता है, ठीक, कांस्टेंट वेलोसिटी वी से। अब बता बॉयंसी फोर्स तो हमेशा ऊपर लगेगा, बॉयंसी फोर्स में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमेशा जीरो ऊपर, mg हमेशा नीचे। अब है कि एयर रेजिस्टेंस कैसे लगेगा, एयर रेजिस्टेंस वेलोसिटी के अपोजिट, मतलब एयर इधर फील होगा, एयर रेजिस्टेंस वेलोसिटी कांस्टेंट एफ नेट जीरो, एफ नेट जीरो इक्वल टू अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, अपवर्ड फोर्स कितना है बॉयंसी फोर्स है, डाउनवर्ड कितना एफ एयर बाय एम माइनस एक्स, एफ एयर प्लस एम माइनस एक्स इंटू जी, कोई दिक्कत, ठीक है। यहां ले सकते हैं बी माइनस एफ एयर इक्वल्स टू एम माइनस एक्स इंटू जी, इधर दिस इज द दूसरा इक्वेशन, अब पहला क्वेश्चन ये रहा, पहला क्वेश्चन ये रहा, तो पहला क्वेश्चन उठाकर यहां ले आते हैं, इक्वेशन क्या है एफ एयर, एफ एयर प्लस बॉयंसी फोर्स, ये वाला क्वेश्चन लिख रहे हैं इक्वल्स टू एम जी, दो एयर कट गए यहां से तो टू बॉयंसी फोर्स आ गए यहां पे, और इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा बताओ, यहां पे एम जी है, एम जी है तो टू एम जी हो जाएगा माइनस एक्स जी हो जाएगा, यही होगा ना,
ये हुआ ना पगला, इसको जोड़े हैं जिन एम जी है, यहाँ एम जी है तो 2mg होगा, अब माइनस साइन लगाए एफ जी है। ठीक, देखो नहीं समझ में आता है तो पूछा करो, नहीं तो फिजिक्स से गोल हो जाएगा। नहीं नहीं यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस कट जाएगा, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, प्लस प्लस जुड़ जाएगा। ठीक, साइन चेंज प्लस करने में नहीं होता, एडिशन में साइन चेंज नहीं होता, साइन चेंज सब्ट्रैक्शन में चेंज होता है। ठीक, यहाँ बोल रहा है लड़का कि यहाँ साइन चेंज नहीं हो सकता, यहाँ माइनस हुआ, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, नहीं जब एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे तब माइनस साइन चेंज होता है। ठीक, समझ आया, आता नहीं इतना अलजेब्रा, नहीं आता तो पूछो सर, नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, हम बता देंगे, कुछ नहीं किया यहाँ सिर्फ जोड़ दिया। ठीक है, तुम जोड़ना नहीं चाहते हो ना तो ये भी कर सकते हो, यहाँ एफ एयर है, यहाँ भी एफ एयर है, यहाँ एफ एयर निकाल लो, क्या हो जाएगा, बी माइनस एम माइनस एक्स इंटू जी, और यहाँ पे इसको पुट कर दो, फिर सॉल्व कर दो। तो देयर आर सेवरल वे टू सॉल्व, सॉल्व मैथमेटिक्स अलग अलग हो सकता है लेकिन सॉल्यूशन तो एक ही आएगा। ठीक, तो अब यहाँ से एक्स निकाल लो, तो यहाँ से एक्स निकालना चाहिए, यहाँ से इसको थोड़ा ऊपर करते हैं, तो एक्स जी कस्ट हो गया 2mg माइनस 2b हो गया, तो यहाँ से कॉमन निकाले 2, ठीक है, तो mg माइनस b ऐसा कुछ आ गया, और यहाँ जी भी तो है, तो x डिवाइड बटा जी, यहाँ भी जी डिवाइड कर दो, तो 2 यहाँ से जी जी कट जाएगा, एम माइनस बी बाय जी एक्स, ये एक्स क्या है, रिमूव्ड मास है, रिमूव्ड मास, इतना मास रिमूव करना पड़ेगा, कोई दिक्कत। यहां तुम देख रहे हो ना एक बात, नोटिस कर रहे हो गए कि इसमें मास रिमूव में एयर रेजिस्टेंस का काम नहीं है, यहाँ पे दिख रहा है एयर रेजिस्टेंस कट गया है, हम बस किसका रोल आ रहा है, बायंसी फोर्स का, और किसी का रोल नहीं आ रहा है यहाँ पे, एयर रेजिस्टेंस कुछ भी हो, एयर रेजिस्टेंस कुछ भी हो यहाँ पे मैटर नहीं कर रहा। ठीक, कोई दिक्कत सवाल में, ठीक है, आंख में ऐसे जूम लगाओ, ऐसे करके घुमाओ, तो जूम करो, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत, छापो तब तक इतना तो पानी पीते हैं।